की घड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह व कांग्रेस नेता लोगों को राहत देने में जुटे हुए हैं, जबकि भाजपा नेता इस समय भी ओछी राजनीति कर रहे हैं। यह बात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विजय डोगरा ने ऊना मुख्यालय पर एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आपदा के चलते 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है, लोग बेघर हो गए, लोगों की भूमि खराब हो गई, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में यह बहुत बड़ी आपदा है, ऐसे समय में सभी को मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, लेकिन भाजपा नेता इस समय भी राजनीति कर रहे हैं। डॉक्टर विजय डोगरा ने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश की हर संभव मदद कर रही है, इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के भाजपा नेता ऐसे समय में 1500 रुपए का रोना रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने लोगों को जो गारंटियां दी हैं, उन्हें क्रमवार पूरा किया जा रहा है, लेकिन आपदा की घड़ी में पहला काम प्रदेश को पुनः पटरी पर लाना है, बेघर हो चुके लोगों को पुनर्वासित करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ भाजपा नेता बयान दे रहे हैं कि प्रदेश में 6,000 नए आवास पीएम योजना के तहत बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा वर्ष 2022-23 का है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों को राहत देनी चाहिए। डॉक्टर विजय डोगरा ने कहा कि प्रदेश में आई आपदा को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए और प्रदेश को विशेष मदद मुहैया करवाई जानी चाहिए, ताकि हिमाचल प्रदेश को पुनः पटरी पर लाया जा सके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, और मैं सबसे पहले तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपदा ग्रस्त इलाकों में जिन लोगों ने अपने परिवार खोए हैं, जिन्होंने अपना घर बार खोया है, उनके प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं, और जिनकी जाने गई हैं परमपिता परमेश्वर से ये कामना करता हूं कि उनकी आत्मा को परमपिता परमेश्वर शांति दे। और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने जिस दिन से जुलाई माह से ये जो आपदा का यहां दौर चल रहा था, और उस दौर में मैंने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ मैंने पढ़ा, और ऐसा लग रहा था कि मानो ये जो आपदा है, आपदा तो जिन लोगों के ऊपर बीत रही है, जिन लोगों का नुकसान हो रहा है, वो तो परेशान है ही, लेकिन यहाँ हिमाचल प्रदेश में विपक्ष भी परेशान था, और हालत ऐसी हो गई कि आपदा के समय में भी राजनीति करने का मौका विपक्ष बार बार नहीं छोड़ रहा था। और मैं कुछ दिनों से ये पढ़ रहा था कि बार बार ये कहना कि आपदा के इस मौके पे कांग्रेस की सुक्खू सरकार पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ लोग पत्रकार वार्ताओं में करते रहे समूचे हिमाचल प्रदेश में। लेकिन मैं एक बात ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले दिन से लेके आज दिन तक अपनी पैनी नज़र के साथ लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के वो इस आपदा की घड़ी में खड़े रहे, और हिमाचल प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों का दौरा भी उन्होंने उत्तराखंड और गुजरात की तर्ज पर आपदा घोषित प्रदेश ने किया घोषणा, क्या कहेंगे? मैंने पिछले दिनों भी कहा था, कल भी मैं किसी एक टीवी डिबेट पे था, वहाँ भी मैंने ये कहा कि आपदा किसी के बस में नहीं, और ये प्राकृतिक आपदा है, इसको भी अगर केंद्र सरकार अगर राजनीति से जोड़ रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार को इसके ऊपर राजनीति से ऊपर उठ के प्रदेश के लोगों की पुनर्वास के लिए काम करना चाहिए, ना कि ये देखते हुए कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है उसको नीचे लगाने का कोई काम किया जाए। डोगरा जी, आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी बड़ी मंजिलें गिर गई, जबकि धरातल पर दो ही मंजिल पास है, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों एक बड़े कड़े फैसले लेते हुए एक क्षेत्रीय, हर जिले में क्षेत्रीय छोटी छोटी टीमें बना के, जिसमें जियोलॉजिकल के लोग होंगे, जिसमें ज्योग्राफी के लोग होंगे, जिसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के लोग होंगे, और जो हमारे विश्वविद्यालय और यहाँ पे जितने तकनीकी संस्थान हैं
उनके प्रोफेसर्स की एक टीम बनाने के लिए उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट को देखते हुए अब हम लोग कोई भी कार्य ऐसे नहीं करेंगे जिसके साथ प्रदेश को कहीं नुकसान हो, और इसको आने वाले समय के लिए एक रूपरेखा तैयार करते हुए उन्होंने मौजूदा समय में ये कहा कि जितने क्रशर्स खड्डों के आसपास, जितने नालों के आसपास क्रशर लगे हैं, उन्होंने वो तक बंद कर दिए हैं, उसको बंद करने के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। सरकार की वो मदद करें और उस मदद के लिए वो आगे आए। हम लोग नितिन गडकरी जी के भी बहुत आभारी हैं जिन्होंने स्वयं आके मौके का जायजा लिया, और वो आके जिस तरह से अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि नेशनल हाईवेज जहां हम लोग उनको सुदृढ़ करेंगे और उनको हम लोग खोलेंगे, वहीं उन्होंने जो प्रदेश के हमारे राज्य स्तरीय सड़क मार्ग हैं उनके बहाली के लिए भी उन्होंने बात की है, उसके लिए भी हम उनके आभारी हैं। इकट्ठा कर करके जो अंशदान मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है, जिन भी लोगों ने दिया है, जिन बच्चों ने दिया है, जिन माताओं ने दिया है, जिन बुजुर्गों ने दिया है, हम उनके बहुत आभारी हैं। और प्रदेश की कांग्रेस सरकार की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से मैं उनको भी साधुवाद देना चाहता हूं, और ये कामना करता हूं कि परमपिता परमेश्वर उनको भी इतनी शक्ति, इसके लिए कांग्रेस की सरकार आगे बढ़ के काम कर रही है। अंत में मुझे एक बात और ये करनी है कि आज प्रदेश के अंदर, कल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि मानसून सत्र, जब नेता प्रतिपक्ष ने कोई बात उठाई कि मानसून सत्र होना चाहिए, तो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 1000 से 1200 पुलिसकर्मी विधानसभा की सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि इस वक्त हमारे जो पुलिस के जवान हैं, हमारे जो NDRF के लोग हैं, हमारे जो आर्मी के लोग हैं, वो लोग जितनी शिद्दत के साथ यहाँ आपदा में जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को पहले इस आपदा की घड़ी में काम करने दें, ताकि हम लोग मानसून सत्र जब भी होगा हम लोग चर्चा करें। और मैं आपके इन चैनल्स के माध्यम से केंद्र सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रदेश को 13,000 करोड़ रुपये का जो नुकसान हुआ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो, हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो, उन्होंने भी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमारी जो कांग्रेस की सरकार है वो तन्मयता के साथ काम करे। जनमानस तक ये बात पहुंचाना चाह रही थी और उन्होंने पहुंचाई भी, स्वयं कंधे से कंधा मिला के वो लोगों के साथ खड़े रहे। और आपने देखा होगा कि जब जब बाहरी पर्यटक और राज्यों के पर्यटक यहाँ फंसे, उनको बाहर निकालने के लिए किस तरह से सरकार ने बड़ी शिद्दत के साथ काम किया, और बड़ी संवेदनशील होके सुक्खू सरकार ने हर आदमी तक राहत पहुंचाने का जो कार्य किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूं, और ये कामना करता हूं कि परमपिता परमेश्वर आज कितना झूठ आप पकड़े, 2022-23 का जो एक यहां से लोगों के मकान बनाने के लिए जो केंद्र से एक सहायता मिलती है 1.5 लाख रुपए की प्रति मकान, उसका आंकड़ा कल भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 2-3 दिन से बार बार अखबारों में कह रहे हैं कि 6,000 मकान हमने इस आपदा की घड़ी में हम लोगों ने घोषित कर दी। ये तो 2022-23 का जो एक खाका था, उस खाके के तहत जो हमें मकान मिलने थे प्रदेश सरकार को, वो 6,000 का आंकड़ा वो है, ये आपदा से जुड़े वो 6,000 मकान नहीं। लेकिन फिर भी हम केंद्र सरकार का धन्यवाद हम ये करना चाहते हैं कि इसको वो 2022-23 के मकानों की संख्या न बताते हुए वो आपदा की घड़ी में 6,000 मकान बता रहे हैं। लेकिन क्या इसमें भी राजनीति होनी चाहिए? और लोगों की, अरबों की संपत्ति बह गई लोगों की इस नेचुरल कैलामिटी में, प्राकृतिक आपदा में, जिस तरह से लोगों ने अपनी जानें खोई, जिस तरह से लोगों ने अपने मकान खोए, जिस तरह से लोगों ने अपनी जमीनें खोई, उसका उसके नुकसान की भरपाई कौन करे? लेकिन घड़ी में, इस आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की मदद करे और राष्ट्रीय आपदा घोषित करके इसके लिए इसको वापिस से रिहैबिलिटेट करने के लिए, लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए काम करें। लेकिन उस पर भी राजनीति, और आपदा आपदा पे राजनीति करना मैं समझता हूँ ये बात हमें अच्छी नहीं है। और आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति प्रदेश की कांग्रेस की सरकार पर कर रहे हैं, वो ये दिन भूल गए कि पिछले 5 वर्ष उन्होंने किस तरह से कुठाराघात किया हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर, और कहते थे कि अभी कोरोना काल चल रहा है। लेकिन आज क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस
ये जानती है कि केंद्र और राज्य के बीच का जो समन्वय है उसके साथ सरकारें आगे बढ़ती हैं, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को जब जब बीच में मौका मिला वो मंत्रियों से भी मिले, प्रदेश देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिले, और उन्होंने केंद्र से एक टीम आई जिसने आकलन किया और आज लगभग 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो चुटकियां लेते हुए बार बार ये पूछ रहे 1500 रुपये का क्या हुआ। इस वक्त सवाल 1500 का नहीं था, वो तो जो घोषणाएं कांग्रेस ने की हैं और कांग्रेस के घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बना के अमलीजामा पहनाया जाएगा उसके लिए तो सरकार वचनबद्ध है, लेकिन इस आपदा की घड़ी में क्या ये राजनीति करना कोई शोभा देती है? और मैं पढ़ रहा था, परसों भी पढ़ रहा था कि यहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष किस तरह की बातें आज कर रहे हैं, और जब उन्होंने कहा कि मानसून का सत्र बुलाया जाए तो बार बार ये कहना कि कांग्रेस के ऊपर छींटाकशी करना ये शोभा नहीं देता है। मानसून का सत्र तो होगा 18 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी तिथियां घोषित की हैं और कल वो माननीय राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी से भी मिले और वहां भी उन्होंने पूरा खाका बताया है कि किस तरह से प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इस आपदा की घड़ी में लोगों को राहत पहुंचाने का काम, और उनकी पीठ भी थपथपाई। वही विश्व बैंक ने भी ये कहा कि विश्व बैंक की बड़ी नज़दीक से ये देखा कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अपने सभी सहयोगियों और विधायकों के साथ जिस तरह से इस आपदा की घड़ी में हर एक मसले को वो जांच रहे थे, देख रहे थे और उसके ऊपर क्या संभव हो सकता था उसके लिए वो काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी चिंता प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को ये थी कि सेब का सीजन था और हमारे जो बागबान हैं वो किस तरह से परेशान थे, सड़कों की बहाली के लिए वो समय समय में अधिकारियों की बैठक लेते रहे और रात रात तक वो जाग के भी अधिकारियों को ये आदेश करते रहे कि फलां इलाके की सड़क अभी नहीं खुली है, लोगों का सेब कैसे पहुंच पाएगा मंडी, और मंडियों तक सेब पहुंचाने के लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने हर इलाके का दौरा किया। और उसी कड़ी में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने जब जब केंद्र सरकार से अगर कोई थोड़ी बहुत राहत भी मिली तो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र का भी आभार व्यक्त किया और उन्होंने कि लोगों को हम लोग किस तरह से पुनर्वासित करेंगे और उनको कैसे हम लोग व्यवस्थित करेंगे, ये चिंता प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को लगी रही और उन्होंने अपने कैबिनेट के सहयोगियों से भी अपील की कि इस आपदा की घड़ी में वो अपने अपने इलाके में रहें और लोगों के साथ वो तालमेल बना के रखें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में ये कहती नजर आई कि कभी वो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को लेके उंगलियां उठा रहे थे, कभी वो ये कह रहे थे कि सुखू सरकार पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही है कि केंद्र सरकार में नीति आयोग ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिस शिद्दत के साथ जिस मशक्कत और मेहनत करते हुए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री इस आपदा की घड़ी में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे वो बड़ा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।